गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेन विश्वकर्मा, आप लोगों का एवीएस का टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एवीएस का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद में आप लोगों के जो है फाइनल एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम जो है अपना रिवाइज भी करें। रिवीजन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। तो आपका सबसे जो पहला चैप्टर है आपका सेम टू का, सेम टू से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सेम टू का जो पहला चैप्टर है वो क्या है आपका, हाउसेस इन द पास्ट एंड नाउ। तो ये चैप्टर आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया था कि पास्ट में और अभी जो हाउसेस रहते थे उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। पहले कैसे घर रहते होते थे और अभी कैसे रहते हैं, ठीक है। तो पहले के घरों को हम क्या बोलते थे, रूरल, ठीक है। और अभी जो घर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, अर्बन, ठीक है। अर्बन मींस क्या होता है, शहरी, जो शहर में रहते हैं। रूरल मींस क्या होता है, जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण। तो इस चैप्टर में जो है हम इनके बारे में देखे थे, ठीक है। मैं एक कौन रहते हैं, शिवम, है ना, कौन कौन रहता है, शिवम लिव्स विद फैमिली इन टू बेडरूम, ठीक है। तो इस जो चैप्टर है इसको आप पूरा रीड करिएगा, ठीक है। और फिर इसमें बताया गया है कि वो लोग जो है गांव में उनका कैसा घर है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे पास्ट में कैसे घर रहते थे और सभी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि घर के पास में कुआं रहता था और जो वॉशरूम्स था वो थोड़ा दूर बनाए जाते थे, मेन बिल्डिंग्स थे। जो चूल्हा रहता था, किचन जहाँ पे खाना बनता था, वो भी एक अलग से कमरा रहता था ताकि जो है किसी को घर में डिस्टर्ब ना हो। तो सभी चीज़ों का ध्यान में रखा जाता था, ठीक है। इसके बाद में अर्बन एरियाज़ में जो हाउसेस रहते हैं उनके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। स्लम्स के बारे में बताया गया है, स्लम्स कैसे होते हैं, सिटी शहर में जो इस तरह के घर बने रहते हैं पास में, यहाँ पे स्लम्स इनको बोला जाता है। और स्लम्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या 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 चैलेंजेस रहते हैं स्लम्स एरियाज में, उसमें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे रूरल होम्स कैसे कैसे बनाए जाते हैं, ये देखिए एक दिया हुआ है रूरल होम्स का डायग्राम। तो गांव में कैसे घर बनते थे उसमें यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या यूज़ किया जाता था रूरल होम्स को बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में दिया हुआ कि आज की डेट में कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं और गारबेज क्या होता है इसके बारे में बताया है। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ वेस्ट क्या क्या होते हैं ये भी यहाँ पे बताया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपका क्या था, जो अर्बन और रूरल जो वेस्ट थे उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। फिर डिपॉजिट वेस्ट जो था, और ये आपका क्या, जो बायोडिग्रेडेबल जो पिट था उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बताया गया था कि आपको जो है अलग अलग कलर से इसमें भरना है। इसके बाद में यहाँ पे जो गार्बेज और वेस्ट जो निकलता है उसको किस तरह से रिसाइकल किया जाता है, किस तरह से उसको डिकम्पोज किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे चैप्टर में बताया गया था, ठीक है। यहाँ पे ओपन डंपिंग, लैंडफिल्स, बर्निंग, कंपोस्ट पिट, ये सारे ऑप्शंस थे जिससे जो है जो भी वेस्ट निकलता है उसको डिकम्पोज करने के लिए, है ना। और फिर इसके बाद में तीन प्रोसेस थी, कौन सी, रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस, जिससे कि हम
क्या कर सकते थे, आपका वापस से रिसाइकल कर सकते। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसकी जितने भी एक्सरसाइज हैं ये सारी मैं करा चुका हूँ, क्वेश्चन आंसर भी करा चुका हूँ, वर्ड मीनिंग भी करा चुका हूँ, तो इन सभी को आप अच्छे से देख के प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है कौन सा, एनिमल एंड देयर हैबिटेट्स। तो यहाँ पे हमने देखा था कि एनिमल्स जो होते हैं, अलग अलग जगह में एनिमल्स रहते हैं, वो किस तरह से अपने आप को चेंज करते हैं कहीं पे भी रहने के लिए। जैसे जो ये कैमल है, कैमल जो है वो डेजर्ट में रहता है, तो ये इसके बारे में आपको पता ही होगा कि इसको शिप ऑफ डेजर्ट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी दिनों तक जो है बिना पानी पिए रह सकता है, तो ये भी इसकी क्या हैबिटेट्स में ही आता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे हमने टेस्टेरियल एनिमल्स के बारे में जाना था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये पोलर बियर है, और भी कई सारे टेस्टेरियल एनिमल्स रहते हैं जो अलग अलग कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में भी जाना था, कौन होते हैं ये जो पानी में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे एम्फीबियंस के बारे में भी जानना था कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। तो ये आप पूरा चैप्टर जब रीड करेंगे तो आपको जो है सभी चीज़ों के बारे में जो है अच्छे से पता चल जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे क्या क्या है, स्पाइडर्स वेब के बारे में भी जाना था, और नॉक्टर्नल एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे कि ये आउल जो है एक नॉक्टर्नल्स एनिमल्स होता है, वो क्या क्या होता है, सम एनिमल्स कैन सी वेल इन द डार्क, डार्क में अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और ये जो है रात में ही ये आपको दिखाई देगा, दिन में नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो इनको जो है नॉक्टर्नल एनिमल्स बोला जाता है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने करा दिए हैं, है ना, तो आप लोग इसको देखिएगा। और फिर उसके बाद में ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। ये जो आपकी मैच द फॉलोइंग है, इसमें किस तरह से किया गया है, ऑक्टोपस जो है वो कहाँ पे रहता है, फ्रॉग कहाँ पे रहता है, टाइगर कहाँ पे रहता है, रैबिट कहाँ पे रहता है, मंकी कहाँ पे रहता है, ठीक है। तो सभी को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में थर्ड चैप्टर आपका क्या था, बर्ड्स एंड देयर नेस्ट। तो थर्ड चैप्टर में यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट क्यों बनाते हैं। नेस्ट का मतलब क्या होता है, बर्ड्स का जो घोंसला रहता है जिसमें वो अपने अंडे देते हैं, उसी को नेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो नेस्ट बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, कि बर्ड्स जो है अपने जो भी एग्स रहते हैं, उनके जो भी अंडे रहते हैं, उनको रखने के लिए क्या बनाते हैं, वो नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। और जितने भी बर्ड्स रहते हैं वो अलग अलग टाइप के जो है अपने नेस्ट बनाते हैं, तो इसको भी हमने देखा है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से रीडिंग करना है, ठीक है। रीडिंग आप अच्छे से करेंगे कैसे, समझ समझ के, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम्स भी बताई हैं हर एक चैप्टर की, ताकि जब आप चैप्टर को रीड करें तो आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको भी पता है कि अलग अलग टाइप के बर्ड्स रहते हैं, तो बर्ड्स अलग अलग टाइप के रहेंगे, तो उनके जो नेस्ट हैं वो भी अलग अलग टाइप के नेस्ट बनते हैं। तो नेस्ट कहाँ कहाँ बनते हैं देखते हैं, यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ ट्रीज में बनाते हैं कुछ बर्ड्स, ऑन द ग्राउंड ऑफ और एमिड्स बसेस में, और इन द फोर्क ऑफ ए ब्रांच, और इन द होल्स ऑफ वुड एंड डिग होल इन द ग्राउंड, सब अलग अलग टाइप के नेस्ट जो है बनाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे दिया नेस्ट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, अलग अलग बर्ड्स जो रहते हैं उनके अलग अलग नेस्ट रहते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे पेंगुइन के बारे में भी पढ़ा था,
कि पेंगुइन्स क्या होते हैं, मेल पेंगुइन्स कितना स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, जब भी उनके एग्स हो जाते हैं तो वो फिर वहाँ से क्या हटते ही नहीं हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके बाद यहाँ पे जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इस एक्सरसाइज को भी पूरा कंप्लीट करवाया है मैंने, आप लोगों ने किया भी है, तो आपको इसकी जो है क्वेश्चन आंसर्स ट्रू फॉल्स और जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनको भी अच्छे से करना है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको इन चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है, और कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, है ना। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, हाउस इन द पास्ट एंड नाउ, ओके। इसके बाद सेकंड चैप्टर आपका क्या है, आपका एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, ठीक है, और थर्ड चैप्टर आपका क्या है, बर्ड्स एंड देयर नेस्ट। तो तीनों चैप्टर को जो है आपको जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसको करना है, है ना, ठीक है। और ये जो आपका मैच द फॉलोविंग है इसको भी आपको अच्छे से देखना है, ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। टेस्टेरियल एनिमल्स क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, एम्फीबियंस क्या होते हैं, डोमेस्टिक क्या होते हैं, नॉकटर्नल क्या होते हैं और एर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं। मैंने सभी के बारे में अच्छे से लिखवाया है और अच्छे से समझाया भी है आप लोगों को, है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग करिएगा यहाँ पे, जो ये तीनों साइकिल हैं इस चैप्टर में, ठीक है, कि आपका रिड्यूस का क्या मतलब होता है, रीयूज का क्या मतलब होता है और रिसाइकल क्या मतलब होता है, इन तीनों को भी आपको अच्छे से याद करना है। आपकी कंपोस्ट पिट क्या होती है, कंपोस्ट पिट के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और जो भी हमारा वेस्ट रहता है उसको किस किस तरह से हम जो है डिकम्पोज कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो भी डिफरेंस रहता है जो अर्बन हाउसेस हैं और आपके जो रूरल हाउसेस हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंस हैं उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग प्रिपेयर करिए और अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।